राप्ती, रोहिन और घाघरा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तीनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 24 घंटे के अंदर ही बाढ़ से प्रभावित गांवों की संख्या भी दुगनी हो गई है। जनपद में 113 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित है। निचले इलाकों में जरूर राप्ती ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लोगों के घर बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ के कारण नदियों के किनारे रहने वाले लोग दहशत के साए में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। कोलिया, मजरिया, डोमिनगढ़ के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गांवों के अंदर पानी आने से लोगों को गांव छोड़ सड़क किनारे परिवार और अपने पालतू जानवरों के साथ रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। गांव को जोड़ने वाले रास्ते पानी में डूब गए हैं, जिस वजह से ट्यूब का सहारा लेकर गांव के अंदर राशन पानी लेने आ जा रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों ने बताया कि नदी का पानी गांव में घुसने के साथ घरों में पानी आने से परिवार और जानवरों को लेकर बंधे पर रहने को मजबूर हैं। सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई राहत नहीं मिला है। गांव में आने जाने के लिए हम लोगों ने ट्यूब का व्यवस्था कर उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके संबंध में जिला आपदा प्राधिकरण के आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कोलिया में राहत सामग्री वितरण नहीं किए जाने की शिकायत मिली है। वहां मंगलवार या बुधवार तक राहत सामग्री का वितरण कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बाढ़ प्रभावित लोग पन्नेलाल, राम मूरत, दीपचंद, अंजलि और उलेची देवी एवं आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा।
वो तलकारे ये वो तल तो ये मई भी है नहीं सही ना तेरा रोक जा लोग बोल रहे हैं अभी बंधे पे क्यों रह रहे हैं? पूरा गांव डूब गया, घर डूब गया, गा कर बंधे रह रहे हैं। तो बंधे पे क्या क्या लेके हैं आप लोग? कुछ ये लेते हैं, भूसा से लेते हैं, खाओ खाते हैं। सारा जानवर मवेशी से? हाँ सर। परिवार में कितने लोग हैं? चार भाई हैं, एक माँ, पिता, बच्चे हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद? आशा से मिल रहा था बहुत। किरपार उरपार किसी चीज का? कुछ नहीं। ना वो लगी है? नहीं ना नहीं लगी है। दीपचंद, आप लोग क्यों बंधे पे रह रहे हैं? बंधे पे पानी भरा है इसलिए हम लोग रह रहे हैं। किस चीज का डर है? इधर देखिए बच्चे हैं छोटे छोटे हम लोग के, उधर से आने में दिक्कत होता है इसीलिए हम लोग बंधे पे आके रह रहे हैं। सांप गोजर, सांप गोजर का डर है, बच्चे के काट लेंगे तो कहाँ ले दौड़ेंगे हम लोग बताइए। आते जाते कैसे आप लोग? आते जाते इसी टीप से बांधे हुए हैं, जुगाड़ से आते जाते हैं, नहीं तो हिल के आना पड़ता है जो टूट जाता है रस्ते बीच में। तो इसीलिए प्रशासन की तरफ से कोई मदद? कोई मदद नहीं मिला है। तिरपाल, भोजन, राशन? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला हम लोग को। कितने हैं परिवार में आपके? हाँ हम लोग पाँच लोग हैं। कैसे जीवन व्यवस्था? अरे अभी दिन से कट रहा है जीवन व्यवस्था और क्या। जैसे आप देखिए, मान लीजिए गाड़ी ठेला चला के आते हैं, रात हो जाता है ज़्यादा टाइम तो नहीं जा पाते हैं घर, यहीं पर सो जाते हैं हम लोग और क्या। अंजलि नाम है। आप लोग बंधे पे क्यों रह रही हैं? अब बन्ना पे ना तेरा हाल जाता है, एकदम पानी भर गया बस, सांप गोजर फिर लेकर के एकदम जाने खमर के मोज अपने मोज। अब सांप गोजर डस लिया तो कहाँ से हमें ले आवल जाए। अब फिर सरकार भी के सुविधा ना दिया, ना हमारे गांव के प्रधान सुविधा हमारे दिया, इतना चिरौरी कर के कहा ना दे दो तो नहीं ना प्रधान हमारे के दिया। राशन मिलत रहा 20 किलो 20 किलो में, 1 किलो कटौती हो गई, वो ना कुछ मिलल ना सरकार वजह से कुछ मिलल बाबा भाई। ये पे पानी भर आला तो पूरा बारिश होने लगा तो कुल कथरी बिछाना कपड़ा लता सब भीग जाला, कहीं सुखवावल जाला, सुखवा के कपड़ा गुजारा ही करल जाता है। कैसे आते जाते हैं आपको? कैसे आवल जाता हुआ ट्यूब भाई अठबा हुआ अपने पनवा के आए फिर पंचर बा फिर वैसे हेल के आवल जाए जाला, इतना पानी हेलिए लैकन के ना हेल दे लैकन जाइए तो रोज मर के खत्म हो जाए तो हम लैकन के कहाँ से ले नाते अपन कैसे गुजारा करे करती नहीं बनना बाकी बाकी कोई सहायता हो तो कुछ ना मिलल बने प्रधान कुछ मिलल बने सरकार बोलै छी। आप लोग कहाँ हमारे डाल के हैं? घर बुड़ गई बा। कब से हैं आप लोग? 12। अरे बगीचा में घर बने हमारे एकदम बुड़ गई। हमेशा ये दिक्कत होती है? हाँ हर साल ही। सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं अभी तक कुछ नहीं है। पोलिया गर्मी को कहना है कि अभी तक कोई राशन सामग्री नहीं मिला और ना ही नाव की व्यवस्था की है। देखिए ऐसा है कि आप द्वारा जो सूचना प्राप्त हो रही है अभी इसके लिए संज्ञान में तुरंत दिया जाएगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वितरण की कार्रवाई चल रही है। आज सहजनवा तहसील के मटियारी, कुसमा कला और बक्सा माफी में इस समय राहत वितरण का कार्य चल रहा है और जल्द ही बक्सा माफी कोलिया में भी जल्द ही राशन किट उपलब्ध करा दिया जाएगा और हो सकता है कल तक या फिर परसों सुबह तक उन लोगों को राशन किट उपलब्ध हो जाए। सर नाव की क्या?
नाव के लिए वो संबंधित अगर वहाँ नाव की आवश्यकता है तो वहाँ की तहसील को अवगत करा दिया गया है, और अगर जो भी नाव की आवश्यकता है संबंधित तहसीलदार साहब से वो वार्ता कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि कल सुबह तक वहाँ पे नाव भी उपलब्ध हो जाएगी, यदि अगर वहाँ पे नाव की उपलब्धता नहीं है तो।